में प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों सर ने आपको बहुत ही अच्छा मॉरल लेसन दिया। इसके साथ साथ हम स्वच्छता पखवाड़ा भी बना रहे हैं और बड़े उत्साह पूर्वक आप इन गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हो। स्वच्छता पखवाड़े के साथ साथ हर वर्ष सितंबर महीने में पोषण माह भी मनाया जाता है और इस वर्ष भी हम पोषण माह मना रहे हैं। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन, भोजन, खाना पीना, और माह महीना। आपने सुना होगा कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है, मतलब उसको खाने पीने की कमी हो गई है। तो इस महीने हम पोषण के संबंधित अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे जिसका शेड्यूल हमारे पास आ चुका है। तो कल एक एक्टिविटी थी, कल हमें पोषण पर एक प्लेज लेनी थी, वो हमसे मिस हो गई। उसमें हमें क्या कहना था कि हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे, जंक फूड से परहेज करेंगे और हरी सब्जियां और फलों का सेवन करेंगे, उपयुक्त मात्रा में पानी भी पिएंगे और अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। और आज की जो एक्टिविटी है वो है न्यूट्रिशन इन फॉर्मेटिव ईयर्स, 8 साल तक के बच्चों का पोषण। इस थीम पर ग्रुप डिस्कशंस, सिंपोजियम, डिबेट वगैरह हमने करनी है, जो हम क्लासरूम में कर लेंगे। और कल की जो एक्टिविटी है, आने वाले कल की, वो है पोषण असेंबलीज विद स्टूडेंट्स। कल आपको मालूम है संडे है और परसों टीचर डे है, टीचर डे, तो परसों भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये मैं न्यूट्रिशन के विषय पर आज ही आपको ब्रीफ कर देता हूँ। पहले भी आपको कई बार बताया जा चुका है, जब भी हम सेहत की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है हमारी डाइट का। ए हेल्दी डाइट इज द की टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। व्हाट यू ईट इज what you fuel your body with, and by choosing unhealthy options we do our bodies a great disservice, making poor nutrition choices can contribute to stress, tiredness and a general sense of ill health. A diet full of junk food is full of saturated trans fats, cholesterol, sodium, added sugars, preservatives and many other processed ingredients. Unhealthy diet can lead to many health problems like cardiovascular diseases, diabetes, obesity and cancer. Junk food is full of trans fats which can raise level of cholesterol and increase the risk of heart problems. Eating a healthy diet isn't as restrictive as people think. You can still enjoy treats and guilty pleasures as long as it is in moderation. Eating a wide variety of food helps you in many ways. You get most of the nutrients which are required. Adding foods like nuts contain
हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स विच हैव बीन रिड्यूसिंग हार्ट डिजीज एंड अदर हेल्थ इश्यूज. No matter how well you are eating, it is also important to maintain portion control, especially foods rich in calories. Foods like legumes, fruits and vegetables are full of fibers, while being low in fats and sodium, which makes them the perfect base for your healthy diet. Make sure you limit food with added sugars and preservatives like soda beverages and fast food. समझ आया? बोलो. कुछ नया नहीं है जो हम पहले भी मैं बता चुका हूं. ठीक है, डाइट की बात तो चलेगी ही, चलती रहती है, वही बातें हैं, खाली ये भाषा मैंने इंग्लिश कर दी. तो मैं पूछना चाहूंगा, लाइट ऑफ हो गई, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कोई एक और न्यूट्रिएंट बताओ जो बैलेंस डाइट में होता है, जिसको भी मालूम है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कोई एक और न्यूट्रिएंट. प्रोटीन और फैट्स, मिनरल. ठीक है, तो ये पांच छह किस्म के होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स. तो दूसरा प्रश्न, कोई एक जंक फूड बताओ, कोई एक जंक फूड. पिज्जा, समोसा, बर्गर, चाउमीन, इसके बाद जितनी भी मिठाइयाँ हैं जंक फूड में ही आती हैं, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन. ठीक है, नंबर तीन प्रश्न, जंक फूड खाने से जो बीमारियां होती हैं उनमें से किसी एक का नाम ले लो. हार्ट अटैक, डायबिटीज. ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, जंक फूड से या रूट्स एंड वेजिटेबल्स. रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, वेरी गुड.